लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जानिए कौन है गोकुल धाम सोसाइटी का नया डॉक्टर हाथी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले मशहूर टीवी एक्टर कवि कुमार आजाद का कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हम सभी इस शो और इनके कलाकारों से इतना जुड़े हैं कि हमें लगा कि जैसे हमारा कोई अपना अब हमारे बीच न रहा हो। लेकिन जिंदगी का एक उसूल है, ये रुकती नहीं है, चलती जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब डॉक्टर हाथी की जगह कौन काम करेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डेली तूफान में। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। कवि कुमार आजाद जी एक बहुत ही साधारण और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। वो सभी से प्यार और शालीनता से बात करते थे और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक अहम किरदार भी निभाते थे। अब सवाल ये उठता है कि अब डॉक्टर हाथी की जगह कौन लेगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक मशहूर बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक अब डॉक्टर हाथी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। सतीश कौशिक जबरदस्त कॉमेडियन हैं और बॉलीवुड में इन्होंने सलमान खान, गोविंदा और बड़े बड़े सितारों के साथ बहुत सी फिल्में की हैं। सतीश कौशिक की बहुत जानी पहचानी हुई हस्ती हैं। सूत्रों ने ये भी बताया कि जितने एपिसोड कवि कुमार आजाद के साथ शूट हुआ है उसको रिलीज करने के बाद आप सतीश जी को तारक मेहता के शो पर देखेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।